हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का अपने स्मार्ट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप सभी लोग को फिर पता है कि आईटीआई एडमिशन 2023 न्यू जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, प्राइवेट आईटीआई में भी और गवर्नमेंट आईटीआई में भी। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग को ये पता होना जरूरी है कि प्राइवेट आईटीआई में फ़ीस कितना लगता है और गवर्नमेंट आईटीआई में फ़ीस कितना लगता है। तो इसके लिए हम कुछ प्राइवेट आईटीआई और गवर्नमेंट आईटीआई के फ़ीस के बारे में बताते हैं, क्योंकि मैंने खुद आईटीआई कर रखी है इसलिए हम अच्छे से बता सकते हैं। सबसे पहले हम लोग गवर्नमेंट आईटीआई की फ़ीस की बात करते हैं। गवर्नमेंट आईटीआई में फ़ीस आपका 40 रुपया महीना लगता है, यानी कि साल का 480 रुपया प्लस 300 रुपया काशन मनी लगता है। जनरल और ओबीसी का फीस गवर्नमेंट आईटीआई में 40 रुपया पर मंथ लगता है, जिसमें 12 मंथ का 480 रुपया होता है, और ये फीस 12 मंथ का टोटल एक साथ एक ही बार में ले लिया जाता है, बार बार नहीं लिया जाता है। एडमिशन के समय ही ये 480 रुपये आपसे ले लिए जाते हैं, उसके बाद प्लस 300 रुपये काशन मनी लिया जाता है, 300 रुपये काशन मनी। और ये सभी लोग को पता नहीं है कि काशन मनी क्या होता है। काशन मनी सिक्योरिटी के रूप में जमा कराने जाने वाला मनी है, ये आपके सिक्योरिटी के लिए होता है। आप वहाँ पर जितने टूल्स वगैरह हैं, इक्विपमेंट हैं, मशीनें हैं, तोड़ देते हैं, या कोई चीज़ खो जाता है तो गवर्नमेंट किससे कवर करेगी? आपसे ही नहीं कवर करेगी। तो ये सब सिक्योरिटी मनी ये आपसे जमा करा लिया जाता है 300 रुपया। ये 300 रुपया जब आपकी आईटीआई कंप्लीट होती है तो आपको रिटर्न कर दिया जाता है। आईटीआई कंप्लीट होगी तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, अप्लीकेशन लिखना पड़ेगा और प्रधानाचार्य को दे देंगे, तो आपकी 300 रुपया आपके अकाउंट में आ जाएगी। और यहाँ पे एसटी और एससी वाले की जो फीस है वो 0 रुपया है। एसटी और एससी वाले को कोई फीस नहीं देना पड़ता इसमें, 0 रुपया। लेकिन ये 300 रुपया जो काशन मनी है एसटी एससी वालों को देना पड़ेगा, क्योंकि ये सिक्योरिटी के रूप में लिया जाता है। काशन मनी जो है सिक्योरिटी चार्ज है, सिक्योरिटी चार्ज आपसे जमा करा लिया जाएगा। और ये सिक्योरिटी चार्ज भी इन फार्म आईटीआई कंप्लीट होने के बाद फॉर्म भरेंगे, ये आपका 300 रुपया मिल जाएगा। टोटल 480 प्लस 300 रुपया, ओबीसी वालों को बता रहा हूँ और जनरल वालों को 480 प्लस 300 रुपया, 780 रुपया टोटल आपका फीस एक साल का हो जाएगा। उसके बाद प्राइवेट आईटीआई की बात करें हम, तो प्राइवेट आईटीआई में टेक्निकल नॉन टेक्निकल का अलग अलग फीस है। टेक्निकल का जो आपका फीस है वो 18,000 रुपया है। टेक्निकल में आपका फिटर, टनर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, ये सब आपका टेक्निकल ट्रेड है, यानी 2 वर्षीय ट्रेड है, ये सब टेक्निकल में 18,000 रुपया लगेगा। और नॉन टेक्निकल में आपका हो गया 15,000 रुपया, पेंटर हो गया, कारपेंटर हो गया, आरएसी हो गया आदि हैं, ये सब में आपका 15,000 रुपया लगेगा। प्राइवेट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ।